हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है मेहुल पटेल और आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप किसी पार्टी का लेजर चेक करते हो तो उसमें जो उसका इनवॉइस नंबरिंग है वो बराबर है, बट अगर आप उसका जब आउटस्टैंडिंग वगैरह चेक करते हो तो वहाँ पे जो उसका आउटस्टैंडिंग में इनवॉइस नंबर आना चाहिए वहाँ पे आपको गलत इनवॉइस नंबर आपको शो कर रहा है, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है और उसको किस तरीके से सोल्व करना है, ये चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। यहाँ पे मेरे एक कस्टमर है शिवांश इन्फोसिस, इसका अगर मैं आपको यहाँ पे लेजर अगर दिखाऊँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 1, 4, 6, 10, 11 ये उसका इनवॉइस नंबर है। यहाँ पे लेजर में मुझे इनवॉइस नंबर सही शो हो रहा है। अभी मैं अगर उसका आउटस्टैंडिंग चेक कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 11 नंबर का इनवॉइस नंबर वो यहाँ पे नहीं शो कर रहा है, और जो इनवॉइस नंबर 10 है उसकी अमाउंट भी मुझे यहाँ पे अलग शो कर रही है, तो इसका रीज़न क्या होगा। तो हम यहाँ पे फिर से उस पार्टी के लेजर में जाते हैं और जो लास्ट वाला इनवॉइस है यहाँ पे इनवॉइस नंबर सब कुछ तो मैंने सही दिया है, बट लास्ट में जो रेफरेंस नंबर का ऑप्शन आता है एंट्री सेव होने से पहले, यहाँ पे नंबर आ रहा है अगेंस्ट रेफरेंस नंबर 10, तो ये रेफरेंस नंबर तो एक्चुअली 11 होना चाहिए बट यहाँ पे आ रहा है 10, तो ये जो नंबर होता है वही नंबर हमें आउटस्टैंडिंग में दिखाई देता है। भले आपने इनवॉइस नंबर आपका कोई भी दिया है बट अगर यहाँ पे अगर गलत जो नंबर होगा वही आपको आउटस्टैंडिंग में रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पे गलत रेफरेंस नंबर आने का रीज़न क्या होता है कि जब भी हम लोग अगर डुप्लीकेट वगैरह इनवॉइस जनरेट करते हैं, किसी भी इनवॉइस का अगर हम लोग डुप्लीकेट इनवॉइस जनरेट करते हैं तो उस टाइम पे हम लोग सारी चीज़ चेंजेस कर देते हैं, इनवॉइस नंबर चेंज कर देते हैं, पार्टी अमाउंट वगैरह या रेट वगैरह चेंज करना है वो कर देते हैं, बट लास्ट में जो रेफरेंस नंबर का ऑप्शन आता है ना वो डिफॉल्ट वही रहता है जो हमने जिसका डुप्लीकेट इनवॉइस का यूज़ किया है, और उसी नंबर के अंदर जो भी रेफरेंस नंबर होगा वो ऑटोमेटिक यही नंबर आपको पर्टिकुलर इस बिल में शो करेगा, तो इसलिए आपको वो वही रेफरेंस नंबर जो आउटस्टैंडिंग में दिखाई देगा जो पर्टिकुलर इस इनवॉइस के अंदर। मैं अभी आपको एक डेमो करके दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं अभी इस पर अगेंस्ट रेफरेंस में 11 दे देता हूँ तो अभी मेरा आउटस्टैंडिंग सही हो जाएगा। एक पहले मैं आपको आउटस्टैंडिंग दिखा देता हूँ, तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 11वां नंबर का इनवॉइस नंबर भी यहाँ पे शो हो रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो पार्टी का बिल है उसको मैं अल्टर 2 से डुप्लीकेट इनवॉइस बनाता हूँ, यहाँ पे इस एंट्री को मैं एक बार सेव कर लेता हूँ, फिर वापस यहाँ पे जाके इस इनवॉइस को एडिट करता हूँ, यहाँ पे क्वांटिटी वगैरह चेंज कर देता हूँ, रेट वगैरह जो भी चेंज करना है कर देता हूँ, बट एंट्री एंड के टाइम पे अगर यहाँ पे मैं अगेंस्ट रेफरेंस नंबर चेंज नहीं करता हूँ तो मुझे यही नंबर मुझे आउटस्टैंडिंग में दिखाई देगा। तो आपको जब भी डुप्लीकेट वगैरह इनवॉइस नंबर वगैरह आप यूज़ करते हो तो उस टाइम पे आपको अगेंस्ट रेफरेंस नंबर भी चेंज करना है, या फिर अगर आप अपने इनवॉइस का डेट वगैरह चेंज करते हो तब भी आपको ध्यान रखना है कि जो इनवॉइस नंबर अगर चेंज हो रहा है तो रेफरेंस नंबर भी आपका चेंज होना चाहिए, अगर वो रेफरेंस नंबर चेंज नहीं होगा तो आउटस्टैंडिंग में इनवॉइस नंबर भी आपको वहाँ पे गलत शो करेगा। तो दोस्तों यही सोल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता था, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम्स आते हैं मेरे कस्टमर के, उसमें मैंने बहुत सारे यूज़र को देखा हुआ है, तो आपको भी अगर इस टाइप का कभी प्रॉब्लम है तो आपको बस ध्यान रखना है कि जो अगेंस्ट रेफरेंस नंबर है वो इनवॉइस का नंबर है वही रहना चाहिए, तभी आपको आउटस्टैंडिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो बनाता रहता हूं आपके साथ शेयर करता हूं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई टिप्स और अपडेट्स के साथ, तब तक बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।